हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एंट्रोपी। सो गाइस, आज का वीडियो एक्सक्लूसिवली नीट स्टूडेंट्स के लिए है। बोर्ड्स हो चुके हैं एंड लेट्स होप सब लोग ने अच्छा परफॉर्म किया होगा। बट अब ये बचे हुए 2 महीने बहुत ही क्रूशल होते हैं, तो इन 2 महीनों में कैसे मैक्सिमम स्कोर करें उसके लिए थोड़ा बेसिक प्लान डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो मिला के 104 चैप्टर्स हम लोग को कवर करने हैं रैंडमली, लेट्स टेक 50 डेज में। तो ब्लंटली कुछ भी पढ़ने से बेहतर यही होगा कि हम वो पढ़े जिससे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं और जो हमें इजीली समझ भी जाए। तो अगर हम सबसे पहले फिजिक्स लेते हैं, ऑन एन एवरेज ये सब्जेक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए इतना इजी गोइंग नहीं होता, बट उसमें भी कुछ लूप होल्स है जिससे हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मॉडर्न फिजिक्स बहुत ही इजी टॉपिक्स प्लस मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस उससे पूछे जाते हैं, तो ये हाथ के मार्क्स हमें गंवाने नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक जो इजी भी और वेटेज भी रखता है वो है वेव्स। ग्रेविटेशन वंस अगेन एक्सट्रीमली इजी टॉपिक और बहुत क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। उसके बाद लाइट, कुछ मिनिमम नंबर ऑफ फॉर्मूले याद करके हम इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और फिर लास्टली यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, इसको इग्नोर नहीं करना है बिकॉज इससे एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। फिजिक्स में जो लूप होल मैंने लास्ट ईयर एक्सपीरियंस किया था वो ये था कि बहुत क्वेश्चंस थ्योरेटिकल आए थे जिसे हम लोग इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो अगर इतना प्रिपेयर करके जाएंगे मिनिमम, तो हम लोग 70-100 तक का रेंज में स्कोर कर सकते हैं फिजिक्स में। अब आते हैं केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो नेम रिएक्शंस, स्टेबिलिटी ऑर्डर्स, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, ये ऐसे कंसेप्ट है जो आपको याद ही रखने हैं। उसके बाद है रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, आइसोमेरिज्म इफेक्ट्स, ये सारी चीज़ों पे क्वेश्चंस आने ही हैं। उसके बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स एंड बायोमोलिक्यूल्स, ये ऐसे चैप्टर है जो बहुत ईजी है और इनमें से क्वेश्चंस आप लोग ईजिली स्कोर कर सकते हो। फिर हम लोग आएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक है पी ब्लॉक, जो कि सबसे बड़ा है, बट अगेन मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे और उसमें भी एक्सेप्शंस पे आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। फिर आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसमें नेचर, बॉन्ड ऑर्डर, लेंथ, स्टेबिलिटी, ये कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझने। उसके बाद इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, CFT, VBT, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चन आना ही आना है। उसके बाद हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। सबसे पहला सॉलिड स्टेट, बहुत ईजी चैप्टर है। डेंसिटी, पैकिंग, डिफेक्ट्स, ये तीन चीज़ पढ़ोगे पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा और क्वेश्चन आना ही आना है। उसके बाद है सॉल्यूशंस, थोड़ा हार्ड टॉपिक है बट इसमें आपको एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ अच्छे से करने हैं बिकॉज इस पर क्वेश्चन बनेगा। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्टेट्स ऑफ मैटर, इसमें ग्राफ्स और डेंसिटी, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें अगेन लिमिटिंग रिएजेंट वाले सवालों पर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। फिर सारे वेटेज वाले टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स, मैक्सिमम वर्क, एंट्रोपी, हीट इंजन, कन्वर्जन्स, इसके क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें सॉल्ट ब्रिज और सेल्स, इन पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। उसके बाद अगेन अ वेरी ईजी टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स, इसमें आप लोग हाफ लाइफ और नर्नेस्ट इक्वेशन के क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस करना आएंगे ही आएंगे। और लास्टली मोल कंसेप्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूरे केमिस्ट्री में काम आएगा। अगर इतना अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो हम लोग 100 और 120 मार्क्स का एम केमिस्ट्री में रख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बायो की। बायो में हम लोग 300 मिनिमम एम रखते ही है, तो उसके लिए आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी आना है, जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी आना ही है, ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट, प्लांट फिजियोलॉजी, माइक्रोब्स एंड एनिमल हस्बेंड्री, ऐसे टॉपिक्स है जो ईजी और बहुत ईजिली स्कोर कर सकते हैं, रिप्रो इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और इवोल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है जिससे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं आउट ऑफ NCERT। क्या पढ़ना ये तो हम लोग देख लिए, अब कैसे पढ़ना है इसके लिए भी थोड़े ट्रिक्स सोच लेते हैं। रीडिंग थोरोली फ्रॉम NCERT इमीडिएटली फॉलोड बाय सॉल्विंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ये जो पीरियड है इसमें आप लोग को रीडिंग और जितना मैक्सिमम आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वो बेटर होगा। ट्राई टू सॉल्व अ होल 720 मार्क्स पेपर पर डे इन प्रॉपर 3 आवर्स टाइम, क्योंकि आप लोग को फाइनल एग्जाम फेस करना है तो उसकी प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। डू नॉट टेक एनी न्यू बुक्स नाउ टू स्टडी, इंस्टेड सॉल्व मैक्सिमम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, अभी कुछ भी नया हमें दिमाग में नहीं डालना है। एक्सक्लूसिवली NCERT फॉर बायोलॉजी एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओनली रिएक्शंस रिवाइज करो फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और फिजिक्स के लिए जस्ट फॉर्मूले रिवाइज करो, और कीप गोइंग थ्रू NCERT डायग्राम्स एवरी डे। However hard work you take, all that counts is your final performance during those 3 hours.
Remember guys, that crucial period of exam tests not only your knowledge but also how you manage your nerves going mad in the exam pressure and not doing any marking mistakes, because only those 3 hours matter after your whole 2 years and more of hard work. So be calm while in the exam and hope for the best. All the very best.